हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट को शेयर करूंगी, साथ ही आप लोगों के क्वेश्चन के भी आंसर करूंगी। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन लिखकर लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चन के आंसर के थ्रू ही आप लोगों को CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी। तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है कि सेंटर नया बन गया है वो कैसे पता चलेगा। तो गाइज, अगर यूनिवर्सिटी आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ चेंजेस करती है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड एक नई लिस्ट रिलीज करती है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर पहले कौन सा था और अब उसको हटाकर कौन सा नया बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट कब तक आएगी। तो गाइस, 6 तारीख के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की डेट शीट कब तक आएगी और क्या आप लोगों की डेट शीट रहेगी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते हैं। तो देखिए गाइस, कुछ कॉलेजेस में अलाउ कर देते हैं और कुछ कॉलेजेस में अलाउ नहीं करते हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है कि आप लोग कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी गाइस जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ टीचर अलाउ कर देते हैं और कुछ टीचर अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप कैलकुलेटर लेकर ज़रूर जाइएगा और उस पर अपना नाम लिख कर लेकर जाइएगा। अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल के टीचर परमिशन दे देते हैं तो आप लोग कैलकुलेटर अपने पास ही रख लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो टीचर के डेस्क पे रख दीजिएगा और वापस आते हुए अपना कैलकुलेटर ले लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि BEd सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल डेट उनके कॉलेज वाले उन्हें अभी नहीं बता रहे हैं। तो देखिए गाइस, अभी प्रैक्टिकल डेट आप लोगों की क्या रहेगी वो किसी को भी नहीं पता है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल से एक हफ्ते पहले ही कॉलेज वालों को भी पता चलता है और आपको भी पता चलता है। अभी से किसी को कुछ नहीं पता कि आपके प्रैक्टिकल कब होंगे। ये प्रैक्टिकल डेट यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, कॉलेज डिसाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि BEd का एग्ज़ाम पैटर्न नया अभी तक आया कि नहीं आया। तो गाइज देखिए, अभी तक 1.5 घंटे वाले एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से कुछ भी नई चीज़ नहीं आई है, वो पहला वाला ही है जो 2 घंटे के हिसाब से बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BEd फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं अब क्या उनके इंटरनल एग्ज़ाम होंगे या नहीं। तो गाइज, अब आप लोगों के कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, अब आप लोगों को सीधा प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BA LLB LLB LLM में जिसने ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो क्या उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो देखिए गाइस, कल जो नोटिस आया था उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सबके ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे, लेकिन इस ऑप्शन को देने से पहले ये बोला गया था कि जो बच्चा ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ नहीं करेगा उसके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। तो ये अभी कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो ये जो कन्फ्यूजन है वो 6 तारीख को जो मीटिंग है उसमें क्लियर हो जाएगी, तो आप तब तक का वेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल को किसी पर्सन का कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, अब 8 जुलाई को उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं अगर मैं 8 जुलाई वाला एग्ज़ाम दे देता हूँ और मेरे अगर नंबर 8 जुलाई वाले एग्ज़ाम में कम आ जाते हैं और 12 जुलाई वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं तो कौन से नंबर उनकी मार्कशीट में ऐड किए जाएंगे। तो गाइस, जो आप रिसेंटली एग्ज़ाम दोगे उसी के नंबर मार्कशीट में ऐड होंगे, अब चाहे वो कम आए हो या ज़्यादा आए हो। तो आप लोग सोच समझ कर उसी सब्जेक्ट का पेपर दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी आपके नंबर आएंगे वही ऐड होंगे, पुराने वाले नंबर ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि और सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो गाइस, इस मंथ में आप लोगों के सभी कोर्सेज का रिजल्ट आ जाएगा जिनका आना है, सिर्फ और सेमेस्टर की यहाँ बात नहीं हो रही है, सारे कोर्सेज का रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि BEd सेकेंड ईयर के एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। गाइस, BEd सेकेंड ईयर के एग्जाम ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। ऑनलाइन वाला ऑप्शन LLB LLM और BA LLB स्टूडेंट के लिए है और किसी कोर्स के लिए नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।